हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम आपका एक रिवीजन क्लास है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि ये लेक्चर नंबर 1 है मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसका कि टॉपिक है आपका वेक्टर एलजेब्रा। ठीक है, तो ये मैं बात करूं तो आपका क्या है, एक रिवीजन बैच है। इस रिवीजन बैच में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर वीक में हम क्या करेंगे, इस वीक का टारगेट है अपना 3 से 4 लेक्चर्स आपको क्या रहेंगे यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपका क्या है उसमें, एक तो आपके इसमें आपको थ्योरी का पार्ट, जो कि आपका क्या रहेगा ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, और PYQ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके CSIR नेट गेट जेस्ट और आपका टीफर। ठीक है, इन एग्जाम में आपको जो आते हैं आपके क्वेश्चंस, वो PYQ देखेंगे अलग से। ये आपकी है मैथमेटिकल फिजिक्स, तो इसके लिए ग्रिफिथ की बुक आती है, तो इसकी हम क्या है प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना एक तरीका रहने वाला है इस मैथमेटिकल फिजिक्स का, तो इसको मैं स्टार्टिंग से ही आपको कराऊंगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। अब स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो लेक्चर्स। तो बात करूं मैं वेक्टर अलजेब्रा, यहीं से ही होती है इसकी स्टार्टिंग मैथमेटिकल फिजिक्स की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले मैं बात करूँ, ये बातें लिख लो कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटिव एब्सोल्यूट डज नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। ओके, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटिव एब्सोल्यूट डज नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग देन वी कैन फाइंड ये रहने दो, इतना ही करो, है ना। देखो यहाँ पे जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, रिलेटिव होती हैं, उनका आपस में कोई ना कोई क्या हो सकता है रिलेशन हो सकता है, तभी आप उनको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अपने आप में कोई एब्सोल्यूट तो ही नहीं है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एक आपके पास ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये एक्स ये वाई ये जेड, इसको क्या कहते हो आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्या है, रिलेटिव में आपको क्या करना है, ये कोई आपके पास ये पार्टिकल है पी, तो इसकी यदि आपको पोजीशन चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ से ओरिजन, ये ओरिजन से यहाँ पे आर वेक्टर, ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ओ से पी कोई ना कोई ओरिजन मानना पड़ेगा, उस ओरिजन से पी कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, एक्स वाई निर्देश तंत्र में है या इसमें एक्स जेड में है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप देखेंगे इसमें बाद में, ये इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो स्कूल लाइफ में आपने क्या पढ़ा था, स्कूल लाइफ, इस स्कूल लाइफ में आपको इस वेक्टर अलजेब्रा जो टॉपिक है आपका, तो उसमें वेक्टर क्वांटिटी एक तो आपको पढ़ाते थे, वेक्टर क्वांटिटी और एक आपकी होती थी स्केलर क्वांटिटी, ये दो क्वांटिटी से आप क्या है रूबरू हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट और सेकंड, वेक्टर को भी जानते हो स्केलर को भी जानते हो। वेक्टर को क्या जानते हो स्कूल लेवल पे, कि इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड, जिसको आप बोलते हो परिमाण, प्लस क्या होती है इसमें
डायरेक्शन, ठीक है, और साथ में क्या होती है डायरेक्शन। इसमें क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसकी होती नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज जैसे कि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज है आपकी, फोर्स हो गया, बल हो गया आपका, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटीज में आप क्या करोगे, स्केलर क्वांटिटीज जैसे कि टेम्परेचर हो गया, अदिश राशि हो गई आपकी टेम्परेचर, ठीक है, और क्या हो गया, और आपकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये आप देख लोगे। और आप तो इतना भी पढ़ते हो कि करंट, इसमें करंट और पढ़ते हो आप कि करंट भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन वो स्केलर नहीं होता है, उसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो बेसिकली अब जनरली अब बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आखिर में होती क्या है, क्या है ये सभी क्या होती हैं, टेंसर क्वांटिटी होती हैं। नेक्स्ट आपका एक नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखिए टेंसर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिनमें कि आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड प्लस क्या मिलेगा, मल्टीपल डायरेक्शन, तो आपको क्या कहते हैं इनको, टेंसर कहते हो आप, मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हो आप, टेंसर। इसके लिए जो रैंक होती है वो रैंक क्या होती है आपकी, रैंक होती है इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं यहां पे आप देखो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड प्लस क्या होती है इसमें डायरेक्शन होती है ना, और इसमें ये टेंसर कौन सा होता है आपका, ये आपका ये भी तो टेंसर होता है, ये टेंसर होता है आपका कितना, रैंक क्या होती है इसके लिए, बराबर 1, एक रैंक का टेंसर होता है ये। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फर्स्ट रैंक का क्या होता है, ये टेंसर होता है, मतलब इसकी क्या है, एक रैंक है, एक ही डायरेक्शन है, एक्स में जा सकता है या वाई में जा सकता है या जेड में जा सकता है, ठीक है, एक भी एक डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, इस स्केलर क्वांटिटी की बात करें, जहां पे आपको मिलेगा ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो इसके लिए रैंक क्या होती है, इसके लिए रैंक होती है 0, ये 0 रैंक का टेंसर कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। ओनली क्या होता है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको होता है। एग्जांपल्स आप देख लेना, और टेंसर का मैं एग्जांपल्स बताऊँ, टेंसर का एग्जांपल क्या होता है, टेंसर का हो गया आपका मल्टीपल डायरेक्शन हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई आपका चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, तो इससे क्या जाती है, ये निकलती है ना ऐसे, ठीक है, प्लस है तो कैसी जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ठीक है, ये देख लेना आप, ठीक है, चार्ज के बारे में ईडी में पढ़ेंगे ये बाद में हम, चार्जों के बारे में इतना देख लो, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद वेक्टर और स्केलर में थोड़ा सा और देखते हैं, फिर मैं प्रॉब्लम्स स्टार्ट करता हूँ आपकी। देखो ये बेसिक क्लास है थोड़ी आपकी आज, यहां मैं बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी और यहां है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपकी, वेक्टर राशियां, तो यहां पे आप देखो इसके मैं बताऊं तो यहां पे एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इसका तो काम हटाओ आप, वेक्टर ही चलेगा ना, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में देख लो। डॉट प्रोडक्ट में आप पढ़ते हो जो ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है, इसको करते हो आप ए बी कॉस थीटा,
ओके सही है ना, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं बात करूँ, यदि आपका आई कैप डॉट आई कैप है तो इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो आप बन। यदि आप आई कैप का जे कैप से करते हो तो आपको मिलता है जीरो। यदि आप आई कैप का के कैप से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो। डॉट प्रोडक्ट है ना ये। और यहाँ मैं बताऊँ तो आपको, इसको मैं, इसकी नौ कंडीशन बन जाएगी ना, तीन और तीन तीन नौ बन जाएगी आपके पास। तो इसके लिए ये तीन तीन नौ करने थोड़ी बैठोगे इतनी बड़ी उम्र में आप, ठीक है। तो इसको मैं आई कैप डॉट जे कैप बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा आई जे, ठीक है, डेल्टा आई जे। और इस डेल्टा जो आई जे है इसको बोलते हैं क्रोनिकर, क्रोनिकर डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, क्रोनिकर डेल्टा। क्रोनिकर डेल्टा की क्या वैल्यू होती है, डेल्टा आई जे बराबर होता है आपका, देखो वन होगा कब होगा, इफ यदि आई बराबर क्या मिल जाए आपको, जे मिल जाए। और ये जीरो होगा कब, इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। ये यदि आई कैप किसके मिल जाए, आई कैप कैप लगाने, ठीक है, ये लगा लें कैप, ओके। ये आपका क्रोनिकर डेल्टा है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसमें वेक्टर को आप लिखते कैसे हो, जैसे कि ये आपके पास वेक्टर है तो इसको तो बोलते हो आप क्या, टी ए आई एल टेल बोलते हो, इसको आप बोलते हो हेड, इसको कहते हो आप हेड, और इसको क्या बोलते हो टेल, ठीक है। ये कोई आपके पास जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर है, समझ गए। तो यहाँ क्या होता है, ये हेड हो गया टेल हो गया। हाँ एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे यदि एग्जाम में आपसे ऐसा पूछे कि आपको यदि यहाँ पे कोई ओ पॉइंट दे दे, यहाँ पे कोई दे दे पी पॉइंट, ठीक है, तो आप यदि ओ पी वैक्टर यहाँ पे ज्ञात करोगे, यहाँ पे आप ओ पी वैक्टर ज्ञात करना है, तो ओ पी कैसे करोगे, इसके कोई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ आई कैप है, जे कैप है, और क्या है, चलो वैसे मान लेते हैं पॉइंट में मान लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई बन 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 है इसके, और इसके क्या है, जीरो 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 है। तो आप ओ पी वैक्टर कैसे याद करोगे, इस पी में से इसको करोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई कैप प्लस क्या बन जाएगा, जे कैप, और प्लस क्या बन जाएगा, के कैप। ऐसे ही बनाते हो ना, वन माइनस जीरो आई कैप, वन माइनस जीरो के जे कैप, वन माइनस जीरो के कैप, समझे, ऐसे निकालते हैं। और ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे मैं बात करूँ इसमें डॉट प्रोडक्ट आपका हो गया, अब है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा फास्ट रहेगी वीडियो, है ना, समझ लेना आराम से, दो बार देख लेना, छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना। तो यहां पे देखिए आप, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आप सीधा करते हो कि ए वेक्टर क्रॉस कर देते हो बी क्रॉस, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर मिलेगा आपको ए बी साइन थीटा, क्या मिलेगा, एन कैप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ से करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे होता है आई कैप क्रॉस करोगे आई कैप से तो क्या मिलेगा, जीरो। आई कैप का क्रॉस करोगे जे कैप से तो क्या मिलेगा आपको, के कैप। यदि आई कैप का क्रॉस करोगे किससे, के कैप से, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का जे कैप, ठीक है। ये माइनस का जे क्यों आ गया, ये प्लस का के क्यों आ गया, नहीं आया समझ में, अब आएगा। यहाँ पर आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है, ये आपका के कैप है, डायरेक्शन देखना, ठीक, साइक्लिक ऑर्डर क्या है, जे साइक्लिक ऑर्डर, कैसा ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर है, ठीक है। तो इस साइक्लिक ऑर्डर में देखो आप, आई कैप का जे कैप से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, के कैप। आई का जे से करा तो के कैप मिल गया, लेकिन आई कैप का के कैप से किया, आई कैप का के कैप से किया, कैसे गए हो आप, साइक्लिक के विपरीत गए हो, एंटी साइक्लिक, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का जे कैप, तो माइनस का जे कैप। और आई का यदि आई से करते हो तो आपको जीरो ही मिलता है,
इस वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। साइन यहाँ पर यदि मैं जीरो मान लेता हूँ, क्योंकि आई कैप और आई कैप पे दोनों है, ये आई कैप और ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे है। अब यदि मैं थीटा दोनों आई कैप ही करता हूँ तो थीटा कितना है, जीरो, साइन जीरो बराबर जीरो, तो क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है, कर लोगे ऐसे। आगे चलो इसमें साइकिल का ऑर्डर, तो इसको मैं, इसकी भी क्या बनेगी, एक दो तीन, ऐसी आपको नौ प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। तो नौ प्रॉपर्टीज करने बैठोगे क्या इस उम्र में, नहीं करोगे ना। आगे चलो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन आई जे के कैप, ये बराबर किसके है, आई कैप क्रॉस जे कैप के। यदि आई क्रॉस जे कैप करते हो तो एप्सिलॉन आई जे के कैप, यहाँ पर जो आपको एप्सिलॉन आई जे और क्या है के है, इसको बोलते हो आप लेविसिवेटा टेंसर, इसको बोलते हो आप लेविसिवेटा टेंसर। तो एप्सिलॉन आई जे के जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन आई जे के, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए इसकी वैल्यू प्लस वन होगी या इसकी वैल्यू माइनस वन होगी या इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये तीन कंडीशन होगी। प्लस वन कब होगी, जब आपका आई कैप जे कैप और आपका के कैप ये कैसे रहे आपके पास, डिफरेंट रहे और कैसे रहे, साइक्लिक, ठीक है, कैसे ऑर्डर रहे, एक तो साइक्लिक में रहे और सभी क्या रहे, डिफरेंट रहे, तो आपको मिलेगा प्लस वन। और यदि माइनस वन कब मिलेगा, जब आई कैप जे कैप और के कैप ये कैसे रहे आपके, डिफरेंट रहने चाहिए और कैसा होना चाहिए यहाँ पे, एंटी साइक्लिक, ओके। और जीरो कब होगा, जीरो जब होगा जब आपका आई कैप जे कैप और आपका के कैप ये सभी कैसे आ जाएं आपके, ऑल आर सेम आ जाएंगे, सभी सेम रहेंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। अब आप निकाल के देख सकते हो, आई कैप सेम है इसलिए जीरो मिला, आई कैप जे कैप तो डिफरेंट है लेकिन ये कैसे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में हैं, क्योंकि आई के बाद क्या है, जे कैप है, तो आपको क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा, समझ गए, ये हो गया आपका। तो ये मैंने बता दी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। और कुछ बातें हैं इसमें, देखिए एक बात और देख लेते हैं, जैसे कि कोई ए वेक्टर दिया आपको, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तो आपको यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है तो कर दोगे ना, डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था अभी, ठीक है, ए डॉट ए करना है आपका, सॉरी ए का इसका मैग्नीट्यूड कर दो आप, इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ए डॉट ए हो जाएगा, वेक्टर में तो नहीं आएगा जी, ए स्क्वायर होगा सीधा, ए वेक्टर ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए डॉट ए, ये ए डॉट ए क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ये क्या हो गया, ए जेड स्क्वायर। इसको आप ए बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर, यही तो आया था आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यदि आपको डायरेक्शन पूछ ले, ए कैप ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर बोलते हो इसको आप, ए कैप को, तो ये होता है ए वेक्टर डिवाइड में ए, ये आप याद रखना, ठीक है, ये क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर में यदि ए का मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दो, कैसे, जैसे कि ए वेक्टर आपका दिया है कितना, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 माइनस 3 के कैप, आपको निकालना है ए कैप, तो ए कैप कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले तो इसको लिख दोगे 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट में 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9,
ठीक है। तो ए कैप क्या मिलेगा आपको, 4i कैप + 4j कैप - 3k कैप, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 16 16 32 32 और 9 41, तो अंडर रूट में 41 आपको मिल जाएगा। ये आपका ए कैप आ गया, ये आपका होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मिला। देखिए अब एक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद मैं क्लास को करूँगा एंड, एक आपको होमवर्क में भी दे दूँगा, ठीक है, होमवर्क देख लेना आप। तो एक क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 1 है, सिंपल है। इफ यदि आपको दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये बराबर है 0, देन फाइंड एंगल बिटवीन, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है, यदि आपको गिवन किया दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ोगे, यदि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो एक बार फिर से पढ़ो कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, देन फाइंड एंगल बिटवीन के मध्य, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के मध्य आपको एंगल ज्ञात करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है वो देखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ इसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस को सी वेक्टर को इधर भेज दिया, तो यहाँ से मैं अब क्या कर सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वर्ग कर दिया दोनों साइड में, माइनस सी वेक्टर, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, माइनस का सी वेक्टर, ठीक है। क्योंकि यह है, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल क्या होता है, ए डॉट बी आएगा जब भी, तो ए बी कॉस थीटा होगा, कैसे आ सकता है ए डॉट बी, यदि मैं ए प्लस बी और ए प्लस बी इनका ही आपस में मल्टीपल करूंगा तभी मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना, इसका वर्ग कर दिया तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए डॉट ए ए स्क्वायर प्लस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ऐसा ही होगा। ओपन कर दोगे ना, कर दोगे मल्टीपल कर दोगे ना इसका, हाँ डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप क्या होगा, यहाँ से आपको है ए, इसको देखो, यहाँ आपको मिलता है ए डॉट बी, यहाँ आपको मिलता है बी डॉट ए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2a डॉट बी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वहाँ पे आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर लिख सकते हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, किस नियम से, कम्यूटेटिव ला, इसको कहते हो क्रमविन्मय नियम, ठीक है। तो इस क्रमविन्मय नियम ये भी साइड में लिख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको यहाँ से कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस हो गया 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, साइड में करते हैं यहाँ पे, आगे देखो। तो यहाँ से देखो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना मिलेगा, सी स्क्वायर में से करूँगा माइनस, तो सी स्क्वायर माइनस क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस का क्या बन गया, ए स्क्वायर। तो इसको ओपन करो, 2ab cos थीटा लिख दूँ क्या, नहीं लिख दूँ, लिख देता हूँ, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन गया, cos थीटा बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड में 2a और b। थीटा निकाल दोगे ना, थीटा कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स, ये आ गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड में 2a और b, आ गया आपका थीटा एंगल, यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। इसी टाइप का एक और प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप घर पे कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सॉल्व करा दूँगा, जिनसे नहीं होगा ऐसा ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है इसलिए आपको दे रहे हैं, नहीं तो मैं ही करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका है
होमवर्क है, ठीक है। इफ जे वेक्टर बराबर एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर देन फाइंड एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड एस वेक्टर, ठीक है। जे वेक्टर दिया है एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर देन फाइंड एंगल किसके मध्य में, बिटवीन एल वेक्टर एंड एस वेक्टर, ठीक है। ये आपको करना है। और थोड़ी एक प्रॉपर्टीज और बता दूं मैं, एक है ना, एक नियम होता है, ये देख लेना, ये आप घर से करना। वेक्टर ट्राइंगुलर ला, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए था कि वेक्टर ट्राइंगुलर ला होता है, सदिश त्रिभुज नियम इसको बोलते हैं। तीन ही तो भुजा होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कोई सी वेक्टर है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये कोई आपका बी वेक्टर है। तो देखो इसमें सदिश त्रिभुज नियम जो वेक्टर ट्राइंगुलर लॉ होता है वो कैसे लगता है, वो सी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है प्रॉपर्टी। ये क्या कैसे लिखा है, क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन देखो, बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर से जा रही है, सही जा रही, लेकिन ये क्या है, सी वेक्टर अपोजिट है, कोई तीसरी जो आपकी ये वाली भुजा है ये इसके क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये होता है आपका वेक्टर ट्राइंगुलर ला, सी वेक्टर मैंने लिख दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर इसमें दो डायरेक्शंस इस तीसरी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए मैंने तीसरी डायरेक्शन के बराबर में लिख दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।